भारत का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाया और आज यहां की आवाम को वो सब हकों हकूक मिल गए हैं जो कि देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक कृषि विकास योजना के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर के कृषि परिवेश में एक नए युग का आगाज हुआ है। किसानों के हितों के प्रति समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार समग्र कृषि विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फैली 29 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, सेरीकल्चर, मशरूम फार्मिंग इत्यादि शामिल हैं। होलिस्टिक कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सुधार, लगभग 3 लाख रोजगार के नए अवसर, 19,000 कृषि उद्यमों के नेटवर्क की स्थापना और कृषि संबंधित क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है जो एक वन स्टॉप समाधान है। दक्ष किसान किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं जो किसानों को कृषि से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही 4,000 पंचायतों और 5 लाख से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है जिसके जरिए किसानों को एक ही छत के नीचे विशेष सलाह, मौसम सूचनाओं और कृषि संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्ध की गई है। अमन और शांति के वातावरण में 2023 में G20 पर्यटन कार्य समिति के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। साथ ही यहां पर एक दशक में सबसे अधिक टूरिस्ट विजिट दर्ज किए गए हैं। आज प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह के एकीकृत विकास कार्य के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादी कश्मीर को किसी भी विदेशी पर्यटक स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व रफ्तार से कार्य हुआ है और लगभग 60,000 करोड़ की लागत से हाईवे, सड़क और पुल निर्माण की अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लगभग 15 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुँचाया गया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार के 28,400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से औद्योगिक विकास को बल मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लखपति दीदियां हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक 1,120 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए परचम लहराया है। गुलमर्ग में लगातार 4th राष्ट्रीय विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफ्तार के साथ नित्य नए आयाम हासिल कर रहा है।